सर ये तो टट्टी है। यही रिएक्शन हुआ बहुत सारे लोगों का आदि पुरुष का टीजर देखने के बाद। उन्होंने ऐसी क्या क्या गलतियां करी हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रावण के बारे में। तो जो रावण होता है उसका नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है, एक थ्रिलर वाली फीलिंग आने लग जाती है। लेकिन इसमें जो हमें रावण दिखाया गया है उसको देखकर हंसी आती है भाई, बहुत ही ज्यादा कॉमेडियन दिखाया गया है। एंड जो इसका जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, जो बिल्कुल भी स्टोरी के साथ मैच नहीं करता, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। दूसरा रावण से रिलेटेड यही बात है कि रावण का जो वाहन था उसको भी चेंज कर दिया, ड्रैगन एंड चमगादड़ का मिक्सचर कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। सेकंड है मूवी की एनिमेशन, या फिर आप बोल सकते हो VFX के बारे में, क्योंकि मूवी को इस तरीके से एनिमेट किया गया है कि भाई ये एनिमेटेड मूवी ही लग रही है। एनिमेटेड मूवी हमें देखनी होती तो हम लेजेंड्स ऑफ हनुमान देख लेते, वो इससे बहुत ही ज्यादा बेटर है। इमोशनल डैमेज, पूरे के पूरे टीजर में सिर्फ 5 लोग रियल दिखाए गए, बाकी सब कुछ फेक है। 5 लोग कौन कौन से वो मैं गिनवाता हूँ। पहला रावण, फिर राम जी, फिर सीता जी एंड लक्ष्मण एंड हनुमान, यही 5 लोग रियल दिखाए गए, बाकी सब के सब नकली बनाए गए हैं CGI से रिलेटेड ही। और हनुमान जी से रिलेटेड भी एक चीज है, हनुमान जी को भी इन्होंने लेदर पहना दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बिलीव्स एंड रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टर को बोला गया कि आप इस चीज पे काम करें वरना आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके बाद बहुत सारे लोगों को इसलिए भी पसंद नहीं आ रही क्योंकि 500 करोड़ के बजट के हिसाब से ये फिल्म बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगी। डेडपूल 1 का जो बजट था वो 53 मिलियन या 58 मिलियन के हिसाब से था, और इस वाली मूवी का बजट था 68 मिलियन, लेकिन डेडपूल के VFX इस टीजर के VFX से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, इसलिए इसकी एनिमेशन की वजह से बहुत सारे लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मुझे हाईली होप है, क्यों नहीं। बात करते हैं बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रीजन के बारे में, वो ये है कि इस तरह की जो मूवीज होती है जो कि इंडियन कल्चर को या फिर हमारी हिस्ट्री को दिखाती है, वो किस तरीके से प्रेजेंट करती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया को ही नहीं दिखाती, वो बाहर के देशों को भी दिखाती है कि इंडियन कल्चर क्या है। एक तरीके से बोला जा सकता है कि इन मूवी की वजह से बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि इंडियन कल्चर है क्या, और अगर इस तरह की मूवीज को इस तरीके से कॉमेडी वे में प्रेजेंट किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है। अगर इस मूवी के अंदर ये हाईली पेड कैरेक्टर की बजाय कोई एक टैलेंटेड कैरेक्टर लिया जाता जो कि आधे पैसे में भी काम करता, तो बाकी जो पैसे बचे जाते हैं वो VFX में लगाए जा सकते थे, जिससे कि इसकी क्वालिटी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती। ऐसे कुछ आपको हॉलीवुड के साइड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लोग अपनी पेमेंट आधी कर देते हैं ताकि मूवी अच्छी बन सके, और मूवी से कुछ प्रॉफिट उनको फिर बाद में मिल जाता है। अभी हम इस मूवी के बारे में सिर्फ 1% जानते हैं, जब पूरी की पूरा ट्रेलर आएगा और पूरी की पूरी मूवी रिलीज होगी उसके बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे अच्छे से, उसी बात का रियल ओपिनियन आपके सामने आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, जय हिंद, जय भारत।